संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं और उसमें उन प्रावधानों के अंतर्गत ये बातें होती हैं कि किसी राज्य का गठन कैसे होगा, वह विधायिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका कैसे करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी और उसी के अनुसार ही देश की शासन व्यवस्था भी चलाएगी। बच्चों, ये संविधान जो बनाया गया था ये संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बना कैसे था। जो ब्रिटिश की एक कैबिनेट समिति थी उसके अनुसार इसका गठन किया गया था और उस समय हमारे जो ब्रिटिश प्रांत जो थे वो प्रांत ब्रिटिश लोगों का प्रांत जो शासन था, इसके अलावा हमारे यहाँ रियासतें थीं, उन रियासतों में या तो राजाओं का शासन था या मुस्लिम नवाब थे। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि इसका जो गठन किया गया था वो इस आधार पर किया गया था कि 10 लाख लोगों पर एक संविधान सभा का सदस्य बनेगा। तो उस समय 292 सदस्य प्रांतों से लिए गए थे जहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत थी सीधी, और 93 सदस्य जो थे वो रियासतों से लिए गए थे जहाँ पर राजा या नवाब शासन थे। इस तरीके से 385 सदस्य थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से लिए गए थे, वो ABCD है, अजमेर से है और बलूचिस्तान से है, दिल्ली से है, कर्नाटका से है, कुछ कहा गया है इसको, वो 4 वहाँ से। लेकिन बच्चों, 3 जून 1947 को जब विभाजन की घोषणा हो गई थी तो उस समय जो सदस्य पाकिस्तान से चुन करके गए थे वहाँ पर चले गए थे, हमारे यहाँ जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह गई। ये कैसे बना? सबसे पहले तो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई उसमें केवल 207 सदस्य उपस्थित थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे वो नहीं आए थे, जो रियासतदार थे वो भी नहीं आए थे, 15 महिलाएं थीं जिसमें पहले दिन 12 महिलाएं शामिल थीं। तो सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, सिन्हा साहब को बनाया गया था, वो सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध थे। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इसके द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बच्चों, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? इसमें संविधान का किस लिए होता है संविधान, वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। जैसे संविधान में सबसे पहले ये कहा गया उद्देश्य में कि हम भारत के लोग भारत संपूर्ण संपन्न। बात चल रही थी कि उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि हम भारत के भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। इसके अलावा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा 2 तरीके की समानता की बात कही गई है कि हमें अवसर की समानता हो, प्रतिष्ठा की समानता हो। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि उसमें भी व्यक्ति की गरिमा होती है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उस गरिमा का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता को जो सुनिश्चित करने वाली बंधुता है उसको बढ़ाने के लिए आज मतलब था 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित का मतलब होता है हम मानते हैं ना, अंगीकृत मतलब हम मानते हैं, इसे अडॉप्ट करते हैं। अधिनियमित का मतलब होता है हम इसे लागू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये सामान्य काम नहीं था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का इसमें विशेष योगदान था। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, उसमें 7 सदस्य थे, मेन डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे और इसके बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 12 इसमें अधिवेशन हुए थे। उस समय जो मूल संविधान है उस समय 355 अनुच्छेद इसमें थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में इसमें और भी समय हुए तो लगभग 470 या 475 तक पहुँच गए हैं, अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं। तो ये सारी बातें इसमें रही। और बच्चों, समय का भी थोड़ा सा अभाव है, मेरी बेटी होगी, हाँ,
इसमें बच्चों जो भारतीय संविधान को जो लिखा गया था इंग्लिश की कैलीग्राफी में लिखा गया था और वो थे एक राय बहादुर थे, उन्होंने वो दिल्ली के रहने वाले थे, बतासे वाली गली से उनका संबंध था, उन्होंने उसको लिखा था कैलीग्राफी में। इसके अलावा हिंदी में भी लिखा गया था, हिंदी में एक वैद्य थे जो कि महाराष्ट्र में नासिक के वहाँ से आए थे, दिल्ली में बैठ करके जो उन्होंने लिखा था। और जब नेहरू जी ने उनके लिए जो राजा साहब थे उनके लिए कहा गया कि आपकी जो मेहमाना है आपको उसका लेना चाहिए, तो उन्होंने लिया नहीं था और केवल एक साल रखी थी कि संविधान के हर पृष्ठ पर मेरा नाम हो। ठीक है, तो बाकी बच्चों अभी आप छोटे हो और आपके ऊपर ही आप भी एक दिन इसके अच्छे नागरिक आप बनेंगे, तो इस तरह से ध्यान रखें कि हमारा आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको कॉमन जैसी मैडम आपका नेतृत्व कर रही हैं, आपको शिक्षा प्रदान कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि जब से हम यहाँ पर आए हैं मेरे विचार से कोई भी हर सप्ताह को ना कोई डे मनाया जाता है, लेकिन रूम नंबर 35 में वो जरूर मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि कहा जाता है कि विद्यालय की दीवारें होती हैं वो भी हमें कुछ सीखने को देती है, तो आपको तो बहुत अच्छा, आपको सौभाग्यशाली है कॉमन जैसी मैडम आपको शिक्षा प्रदान कर रही है। ये सभी बच्चे अपने पोस्टर्स दिखा रहे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान दिवस पर बनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन है, ये जो चश्मा लगाए बैठे हैं कौन है? अरे बहुत वेरी गुड बेटा। मेरा नाम कन्हैया है, मैं कक्षा छठी ए में पढ़ता हूँ। आज हमारी कक्षा में संविधान दिवस मनाया जा रहा है जिसपे मैं छोटी सी स्लोगन बताऊंगा। मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार, कक्षा एवं सामाजिक का अधिकार। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं कक्षा छठी ए में मूल कर्तव्य है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं राजनीतिक का अधिकार, जमीन का अधिकार। माय नेम इज अक्षर, आई स्टडी इन 6th ग्रेड। आज हमारी कक्षा में इंडिया वो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 26th नवंबर एवरी ईयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। Indian Constitution is the only constitution that was handwritten in two languages, English and Hindi. The Constitution as declared the country as a socialist, secular and democratic republic. It take nearly 2 years, 11 months and 18 days to finish the Constitution of India. Thank you. Very good.